ज्ञानव्यापी केस में कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर सुनवाई शुरू, मस्जिद का मुआयना करने जा सकते हैं जज। यूपी विधानसभा में ई विधान सिस्टम, हर कार्रवाई होगी लाइव, सोशल मीडिया पर होगी लाइव बहस। आजम खान के नए केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी यूपी सरकार, याचिका पर 17 मई तक सुनवाई स्थगित। आजम की पत्नी और बेटी की बड़ी मुश्किलें, दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जन प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर। आजम खान से जुड़े एक और मामले को लेकर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम, 250 बीघा शत्रु संपत्ति की जमीन की जांच जारी। मंत्रियों ने सीएम योगी से की अधिकारियों की शिकायत, कहा जनता की नहीं सुनते अधिकारी, कल मंत्री समूहों ने सीएम को सौंपी थी रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए जारी किए दिशा निर्देश, डिप्टी सीएम ने कहा यूपी में स्वास्थ्य विभाग की बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में गुजरात में हुई चर्चा। न्यूज स्टेट पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा अधिकारियों की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त, बढ़ती लापरवाही तो होगी कार्रवाई। हनुमान चालीसा पर ओम प्रकाश राजभर ने दिया विवादित बयान, कहा मस्जिदों में हनुमान चालीसा से अच्छा है कि लोग पढ़े नमाज, मस्जिद में भगवा फहराने जा रहे तो टोपी लगा के नमाज भी पढ़ो। सीतापुर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने बांटे टैबलेट, फाइनल ईयर के छात्रों को मिला टैबलेट। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने बांके बिहारी और राधा वल्लभ मंदिर में किए दर्शन, वृंदावन ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। बिजनौर पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। फिरोजाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, दरवई स्थित सचिवालय का किया निरीक्षण। बरेली में बीजेपी नेता के नाम पर की जा रही अवैध वसूली, विधायक ने बताया विपक्षी साजिश, बीजेपी विधायक पप्पू भड़तौल के नाम पर हो रही वसूली, सुभाष नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। आगरा सेल्फी पॉइंट को एडीए के द्वारा व्यापारी को लीज पर दिए जाने पर मंत्री विजय शिवहरे ने कहा मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को नहीं है इसकी जानकारी, मानक के हिसाब से नहीं है लीज पर दी गई जमीन, शासन स्तर पर होगी शिकायत। और ये नवोदय विद्यालय में लड़कों द्वारा लड़कियों की शिकायत करने पर लेटर वायरल, शिकायती पत्र पढ़कर लोगों को आई हंसी, विद्यालय की लड़कियों पर चढ़ाने का लड़कों ने लगाया आरोप। इटावा की लॉयन सफारी के तर्ज पर जालौन में बनेगी काऊ सफारी, आवारा पशुओं को मिलेगा सहारा, आवारा पशुओं से मिलेगी निजात। जौनपुर में रियलिटी चेक में खुली सीएमओ दफ्तर की पोल, 25 कर्मचारी में सिर्फ 5 मौके पर मौजूद, न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आई लापरवाही, डीएम ने कही जांच की बात। यूपी राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 का रिजल्ट घोषित, यूपी पीसीएससी सचिव जगदीश ने दी जानकारी, 26 और 28 नवंबर को हुआ था एग्जाम। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेकर देवपुरा चौक तक चला बुलडोजर, नगर प्रशासन पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। सहारनपुर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, मलहीपुर रोड पर बनाई जा रही कॉलोनी। जालौन के ग्रामीण इलाकों में भी शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई, अवैध कब्जे और सरकारी तालाबों को हटाया गया अतिक्रमण। पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव की 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति होगी कुर्क, अपराध से अर्जित की गई थी संपत्ति, डीएम ने जारी किया आदेश। अमेठी में मामूली विवाद में भिड़े दो पक्ष, दबंगों ने युवक के पैर में मारी गोली, इलाज के लिए युवक सीएचसी में भर्ती, मोहनगंज थाना क्षेत्र के रामनगर की घटना। एटा एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, मेरठी थाना अध्यक्ष जयंत कुमार मौर्य लाइन हाजिर, 7 मई को पुलिस टीम पर हुआ था हमला। बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ युवक की तस्वीर वायरल, अहमदगढ़ इलाके का मामला। सहारनपुर में महिला से चेन लूटकर दो बदमाश फरार, मंदिर से लौट रही थी महिला, चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में चोरी करने का अनोखा अंदाज आया सामने, लड़की के भेष में चोरी करने पहुंचा चोर, ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर की जमकर धुनाई, गजरौला थाना क्षेत्र के गांव कांगसे का मामला। हाथरस में महाराणा प्रताप की जयंती पर हुई हर्ष फायरिंग में केस दर्ज, अवैध हथियारों के साथ 4 युवकों ने की थी हर्ष फायरिंग, दबंगों ने हर्ष फायरिंग का वीडियो बनाने वाले युवक की भी की थी पिटाई, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया था केस दर्ज। कासगंज में किसान की हत्या से पहली सनसनी, अज्ञात बदमाशों ने उतारा मौत के घाट, सूचना पर पहुंची पुलिस।
नोएडा सेक्टर 137 के सोसाइटी में मिला महिला का शव। बीते दिन 3 दिनों से गायब थी महिला। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल, भाई का तमंचा, लैपटॉप बरामद, बिस्तर थाना क्षेत्र का मामला। फतेहपुर में दलित और नेत्रहीन किशोरी से युवक ने दुष्कर्म का किया प्रयास, शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर की पिटाई, परिजनों की तहरीर पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी, हथगांव थाना क्षेत्र का मामला। उन्नाव में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, डॉक्टर के मुताबिक युवक की हालत खतरे के बाहर, गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के रजवा खेड़ा की घटना। मिर्जापुर में शराब के नशे में अराजक तत्वों ने बारातियों से की मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अदलहाट थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव का मामला। कौशाम्बी में हिस्ट्री शीटर पिता ने अपने ही बेटे को मारी गोली, आरोपी की बेटी की भी 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में हुई थी मौत, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जालौन में दूध लेकर जा रही पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, ड्रमों में रखा 1156 लीटर दूध सड़क पर फैला, राहगीरों ने पिकअप में फंसे ड्राइवर को निकाला, कुथौन थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर कार सवार युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस, गाजियाबाद में लगातार वायरल हो रहे कार में स्टंट के वीडियो। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के दिन मंदिर के पूजा काउंटर से 92,000 की चोरी, पुलिस चोर की तलाश में जुटे। देवबंद के भायला गांव में बारात के दौरान गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट में दोनों पक्षों से कई लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत। चित्रकूट के बालाजी मंदिर में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों की कीमत की 16 मूर्तियों को ले उड़े चोर, फरार चोरों की तलाश कर रही पुलिस। कानपुर में डीजी कॉलेज की छत से कूदकर छात्रा ने की सुसाइड, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। आजमगढ़ जिले में बीते 24 घंटे के अंदर 2 हर्ष फायरिंग की घटनाओं का वीडियो वायरल, वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस, दोषियों के खिलाफ दिया कार्रवाई का आश्वासन। साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की पहल, हर थाने में बनाए गए साइबर क्राइम डेस्क, 72 घंटों के अंदर हो जाएगा धोखाधड़ी का पैसा रिकवर, एडीजी लखनऊ ने दी जानकारी। जालौन पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर किया था अपने ही पति का मर्डर। बागपत में 2 गैंगस्टरों की 23 लाख की संपत्ति हुई कुर्क, गैंगस्टर तौहिद और जुम्मा की संपत्ति प्रशासन ने की कुर्क, डीएम के आदेश पर निवाड़ा गांव में हुई कार्रवाई। हरदोई में भीषण सड़क हादसा, महिला और एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत, हरपालपुर थाना इलाके का मामला। गाजियाबाद कार एक्सेसरीज की दुकान में लगी आग, दुकान में लगी बैटरी फटने से हुआ हादसा, इंद्रापुरम इलाके का मामला। उन्नाव में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने सब्जी विक्रेता सहित 6 लोगों को रौंदा, सब्जी विक्रेता की मौत, 6 लोग हुए घायल। मथुरा में सीवर टैंक की सफाई करने उतरे पिता पुत्र, बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर, बेटे का दम घुटने पर, उसे बचाने उतरा था पिता। हरदोई में हुआ दर्दनाक हादसा, एक निजी स्कूल के पास छात्रों से भरी स्कूल वैन पलटी, हादसे में कई बच्चे घायल, मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने दिए जांच के निर्देश, स्कूल के वाहनों की फिटनेस जांच करेगा आरटीओ। बिजनौर में 4 साल के मासूम पर कुत्तों ने किया हमला, लोगों की मदद से बच्ची को बचाया गया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, थाना नहटोर के मिर्जापुर इलाके का मामला। हरिद्वार में वृद्ध माता पिता ने बेटे और बहू पर दर्ज किया केस, बेटे की परवरिश और शिक्षा पर खर्च हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की, 17 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर खतरनाक ढंग से चल रहे ट्रैक्टर, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो, संकरे रास्ते में ट्रैक्टर ले जाने को मजबूर लोग। केदारनाथ धाम में उमड़ा जन सैलाब, दर्शन करने के लिए लगी लंबी लाइनें। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय में होंगे एडमिशन, एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी क्वालिफाई करना जरूरी, लेकिन उत्तराखंड में ज्यादातर छात्रों को इसको लेकर पर्याप्त जानकारी नहीं। पौड़ी जिले में थलीसैंण ब्लॉक के स्कूल शिक्षक का अनोखा कारनामा, 1.5 लाख माचिस की तीलियों से बनाई, अयोध्या के श्रीराम मंदिर की कलाकृति, शिक्षक के हुनर के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिल चुकी है जगह। बागेश्वर बीजेपी का कौसानी में चल रहा 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, इस दौरान बीजेपी ने जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में प्राइवेट स्कूलों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। सरकारी स्कूलों में पेयजल, बिजली और फर्नीचर के अभाव पर लगाई फटकार। 100 दिन में व्यवस्था में सुधार लाने के दिए निर्देश। सीजन की पहली बारिश से खुली उत्तरकाशी की पोल। बारिश से जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में भरा पानी, पहाड़ जैसे हालात। चक्रवाती तूफान आसानी हुआ तेज। चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने कई जिलों में किया येलो अलर्ट जारी। विशाखापट्टनम के और करीब पहुंचा आसानी तूफान। चक्रवात के असर को देखते हुए अलर्ट पर वायुसेना, राहत बचाव के लिए INS देगा तैनात। आसानी तूफान के चलते आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात यूपी और दिल्ली में भी दिखा असर। आंध्र और ओडिशा के तट के करीब आसानी तूफान। ओडिशा के गंजाम में समुद्र में पलटी मछुआरों की नाव, मछुआरों ने तैर कर बचाई अपनी जान। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी आसानी तूफान का खतरा। तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। आसानी तूफान के कारण कोलकाता का बदला मौसम। बारिश के फुहार से भीगा पूरा शहर। मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। बारिश के कारण कोलकाता के कई इलाकों में भरा पानी। अगले 24 घंटे तक कोलकाता समेत पूरे दक्षिण पश्चिम बंगाल में बारिश जारी है, रहने का अलर्ट। आसानी तूफान के कारण विशाखापट्टनम में तेज बारिश का दौर। कई इलाकों में भरा पानी। गुरुवार तक बारिश जारी रहने का अलर्ट। आसानी तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भी हुई झमाझम बारिश। बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। आसानी तूफान के खतरे के बावजूद पुरी के सी बीच पर मस्ती करते नजर आए सैलानी। गार्ड के व्हिसल्स बजाने का भी सैलानियों पर नहीं पड़ा असर। बाद में पुलिस ने समुद्र तट को कराया खाली। इंदौर के GNT मार्केट में आग का कहर। लकड़ी का कारोबार करने वाली 7 दुकानों में लगी आग। देखते ही देखते खाक हो गई लाखों रुपए की कीमती लकड़ियां। गर्मियों और तेज हवा के कारण थोड़ी ही देर में आग ने 7 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। आग लगने की वजहों का अभी तक नहीं चल सका पता। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। देर रात आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ब्लास्ट को सुलझाने का दावा किया गया। फरीदकोट से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी पहुंची मोहाली। मोहाली ब्लास्ट की जांच जारी। DGP बोले TNT विस्फोट का किया गया इस्तेमाल, नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। यूक्रेन के डोनेस्क में भी रूस का ताबड़तोड़ अटैक जारी। डोनेस्क के मकीवका में रूस ने मिसाइल से किया जोरदार हमला। रूसी हमले से डोनेस्क में जबरदस्त तबाही मची। मारियुपोल में रूस का जबरदस्त हमला जारी। आजोवस्तल के एक ब्रिज को निशाना बनाकर किया गया हमला। यूक्रेनी शहर ओडेसो पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। रूसी हमले में ओडेसा के हाई राइज इमारतें हुई जमींदोज। हर तरफ दिखाई दे रहा तबाही का मंजर। जबरदस्त तबाही से ओडेसा में अफरा तफरी।